वेलकम टू मनी मैटर स्टॉक्स। माई नेम इज अमोल परांजपे और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स के बारे में। स्टॉक मार्केट्स, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, ऑल आर वन एंड द सेम। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक मार्केट, आखिर क्या होता है स्टॉक मार्केट्स में। जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड नीड 1 लाख रुपीज, इमेजिन आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये है, तो आप क्या करेंगे? आइदर यू विल गो टू द बैंक फॉर अ लोन और आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर अ लोन, और यू विल मेक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली पार्टनर्स इन बिजनेस बाय ऑफरिंग 50% स्टेक। सिमिलरली शेयर मार्केट में आप पैसा रेज कर सकते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली बट पीपल एट लार्ज, यानी आम जनता, बाय गिविंग देम ओनरशिप इन योर बिजनेस। यू कैन गिव ओनरशिप इन योर कंपनी इन अ फॉर्म ऑफ शेयर्स, जैसे कि यू कैन इशू 100 रुपीज शेयर्स टू 500 इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। दिस सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू कंपनीज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स, बट ऑफकोर्स ऑन अ मच बिगर स्केल। जब कोई किसी कंपनी के शेयर्स बाय करता है तो उस कंपनी का ओनर बन जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय हिम। सो बेसिकली ऑल द शेयर होल्डर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी शेयर्स are owners of that company. Any company which wants to raise capital for their business need to advertise and promote their business first, so investors are attracted to buy their shares. अब जानते हैं स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में। स्टॉक मार्केट ये कंसेप्ट लगभग 400 साल पुराना है, यानी 1600 सेंचुरी। जस्ट लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देर वॉज अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास ships थे, who used to sail to different parts of the world to explore and trade. ये business काफी capital intensive था, इसीलिए the company started collecting funds from the common people to invest with their ships which traveled abroad for trades and exploration. Whatever the treasures or profits was made by the ship was distributed with these investors. In fact, there was a process of bidding for investing in these ships at the docks. Investors across the globe started making money from these investments, which attracted more people to it. We can say this was the start of stock markets in the world, which gradually became a famous way to raise money across the globe. Today, all countries have their stock market or stock exchange, wherein companies are listed and can raise capital for their business. Stock exchange wo jagah hai jahan pe companies ki stocks ki बाइंग और सेलिंग होती है। ब्रॉडली अगर देखें स्टॉक मार्केट्स को दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट्स वेयर द कंपनीज एंड देयर प्रमोटर्स रेज कैपिटल बाय इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज IPO। दे ऑफलोड सर्टेन शेयर्स ऑफ देयर कंपनी टू इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एट लार्ज एट अ प्री डिफाइंड प्राइस। दूसरी जगह है सेकेंडरी मार्केट्स, वेयर द कंपनी डज नॉट डिफाइन द शेयर प्राइस, लेकिन डिमांड और सप्लाई पे वो कंपनी के शेयर्स बेचे या खरीदे जाते हैं बाय द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स। कोई भी कंपनी को अगर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करना है तो फर्स्ट दे नीड टू क्वालिफाई द स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स सेट बाय सेबी, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नहीं तो एनी कंपनी कैन जस्ट एक्सचेंज एंड साइफन ऑफ पब्लिक मनी। सेबी इज द मार्केट रेगुलेटर फॉर स्टॉक एक्सचेंज। डे टू डे द नॉर्म्स and regulations are being tightened by SEBI to prevent frauds and scams like the Harshad Mehta scam or the Ketan Parekh scam. Today, in India, we have 2 major stock exchanges. NSE, yani National Stock Exchange, jahan pe 1500 se 1600 companies listed hai aur trade hoti hai. And BSE, yani Bombay Stock Exchange, where 5500 companies are listed and traded. Similarly, globally, US में यू हैव द NASDAQ और द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जर्मनी में यू हैव द DAX स्टॉक मार्केट। इन चाइना वी हैव शंघाई स्टॉक एक्सचेंज एंड इन UK दैट इज लंडन स्टॉक एक्सचेंज। ग्लोबल मार्केट कैप ऑफ ऑल द कंपनीज लिस्टेड इन द वर्ल्ड इज मोर देन 100 trillion US dollars एंड देर आर मोर देन 144 स्टॉक एक्सचेंजेस अराउंड द वर्ल्ड। जस्ट टू गिव यू फिगर्स,
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज 24 ट्रिलियन, नैसडैक स्टॉक एक्सचेंज इज 18 ट्रिलियन, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज इज 10 ट्रिलियन और इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है जस्ट 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स. सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. टू गेज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया, वी हैव द निफ्टी 50 इंडेक्स इन NSE विच कंप्राइजेस ऑफ टॉप 50 कंपनीज बाय देयर मार्केट कैप. सिमिलरली इन BSE वी हैव द सेंसेक्स इंडेक्स विच कंप्राइजेस ऑफ द टॉप 30 कंपनीज बाय देयर मार्केट कैप. सो नाउ दैट वी नो मोर अबाउट स्टॉक मार्केट्स, सवाल ये है क्या स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट गैम्बलिंग है? वेल, टू नो मोर अबाउट दिस प्लीज डू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल मनी मैटर स्टॉक एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस. फॉर एनी सजेशंस डू राइट टू अस. थैंक यू.